Friends, this is our second class on this particular topic, that is interest on calls in advance and calls in arrear. In the first class, we have an introduction class also. We know how to calculate what are the journal entries and how to deal prepare the books of account in case of interest on calls in advance and calls in arrear. Also, we had discussed the provisions aapka as per Companies Act 2056, as per Companies Act 1956 and as per Companies Act 2013. In 1956 it was table A and in 2013 it was table F. In 1956 it was 6% on advance and 5% on arrear. In 2013 just a double, that is 12% on advance and 10% on arrear. So friends, in this class we shall do the problem. We will go by the journal entries. I am writing the question as well as the answer so that it will be easier to follow. So if you want to see this video, please I would advise you to see both the videos simultaneously, class 1 at first and class 2 at second. Thanking you. This will be our question. X Limited issued 1000 shares of rupees 10 each payable as follows. On application 8/7/2019 rupees 2 on allotment 8/9/2019 rupees 5 including premium on first call 15/11/2019 rupees 3 on final call 15/12/2019 rupees 2. Mr. P, holder of 1000 shares, could not pay allotment and first call. However, he paid total due on final call. Mr. Q, holder of 500 shares, paid
allotment money along with allotment money company follows table F pass journal entries and entries for interest on advance and arrear. Friends, X Limited issued 10,000 shares of Tenage payable as follows. On application 1-7-2019, application ये allotment, first call ये final call. Friends, अगर आप इसको पूरा add कर देते हैं तो 5-2-7-3-10-2-12 10 रुपया का शेयर को वो लोग से इश्यू करते हैं 12 रुपया में, देयरफॉर 2 रुपीज इज द प्रीमियम. एंड दिस 2 रुपीज प्रीमियम में मैं बोल सकते हैं कि अलॉटमेंट में 2 रुपया प्रीमियम है और 3 रुपया आपका कैपिटल है. नाउ ये फर्स्ट कॉल में इतना और फाइनल कॉल में इतना. A company, if shareholder holding 1000 share could not pay allotment and first call. However, it paid total amount on final call. Mr. Q, holder of 500 share, paid all the amount along with allotment money. ये आपको entry पूरा करना है, पूरा entry और जो interest on calls in advance and calls in arrear उसको भी पूरा करना है, right? पहले क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट करके जितना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तब थोड़ा इजी रहेगा, वर्किंग नोट खत्म हो जाएगा, बस वी कैन डू द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. फ्रेंड्स, फिर मैं इस तरफ आपको फर्स्ट क्लास में जिस तरफ समझाए थे उसी तरफ आ जाइए. 4-2019 दिस इज आवर स्टार्टिंग डेट ऑफ द ईयर 31-3-2020 और ए 1-7-2019 ये आपका एप्लीकेशन डेट, ये एप्लीकेशन डेट और 1-9-2019 ये आपका अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 5 रुपीज, ये फर्स्ट कॉल आपका 15-11-2019 में, ये आपका फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज और 15-12-2019 में आपका फाइनल कॉल, ये आपका 2 रुपीज. फ्रेंड्स, फिर देखते हैं, मैं पहले पी का बात सुनते देखते हैं कि पी का 1000 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड वो एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी फाइनल कॉल में दे दिया. अलॉटमेंट में पी का कितना ड्यू था आपका, ड्यू कितना देखिए, आपका पी का 1000 शेयर 5 रुपया करके 5000, 1000 अच्छे से लिख देते हैं, पी ड्यू आपका अलॉटमेंट में 1000 × 5 इट इज 5000, ठीक है. पी का ड्यू आपका अलॉटमेंट में 5 रुपया करके 1000 शेयर का ऊपर 5000 रुपया, ये हो गया. और आप देखिए फर्स्ट कॉल में फिर पी का ड्यू कितना,
पी का फिर डी यू आपका 1000 शेयर का ऊपर 1000 शेयर का पी डी यू, ये 1000 शेयर का ऊपर आपका 3 रुपया करके 3000, राइट। और सारा पैसा इसी डेट में आपको मिला है, राइट। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं फर्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन किए हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज ड्यू टू द डेट ऑफ इट इज रिसीव्ड, फ्रॉम दैट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू, जहां एरियर है, डेट ऑफ ड्यू टू डेट ऑफ रिसीव, डेट ऑफ ड्यू टू डेट ऑफ रिसीव। सो मैं पूरा आपको डेट लिख के दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एरियर 8/9/2019 टू आपका 15/12/2019, सो 9, ये आपका होता है 2.5 months और ये आपका 1 month। सो 1/9/2019 टू 15/12/2019 जिस दिन पैसा में रिसीव किए और डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू वाज 1/9/2019, सो ये 3.5 months होता है। सो 3.5 months का ऊपर, सो 5000 रुपीज का आप हिसाब कीजिए 10% और 3.5/12, ये आपका आएगा 145.83। ये 1000 शेयर का ऊपर 5000 आपका 10% करके, और एक बार देख लो, फिर ये अलॉटमेंट पैसा का ऊपर फर्स्ट कॉल मनी कितना आपका, फर्स्ट कॉल मनी फिर 15/11/2019 टू 15/12/2019, यह आपका 1000 शेयर का ऊपर ड्यू कितना 3000 रुपया, 10% और ये ओनली 1 month, 15/11 से 15/12 ओनली 1 month, 1/12, सो 3000 × 10% डिवीजन 12, इट कम्स टू 25 रुपीज। सो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 145.83 to 25, ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर मेरा हो गया। नाउ लेट अस कम टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का ऊपर पी का हो गया, सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, ये आपका टोटल इंटरेस्ट होता है
दिस इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, राइट। फिर जब एडवांस क्यू, क्या क्यू तो एडवांस पेमेंट कर दिया, सो क्यू का एडवांस फिर मैं हिसाब करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, राइट। अब देखिए ये सारा चीज पी के लिए मैं हिसाब किए, नाउ क्यू, ये क्यू पे ऑल द अमाउंट अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट विथ अलॉटमेंट ही हैज पेड द फर्स्ट कॉल, ही हैज पेड द सेकेंड कॉल। सो क्यू अलॉट फर्स्ट कॉल के लिए 500 इंटू 3 1500 पेमेंट किए, और क्यू सेकेंड कॉल के लिए, ये फर्स्ट कॉल के लिए, सेकेंड कॉल के लिए 500 इंटू 2 1000 पेमेंट किए। देखिए आप कि मिस्टर क्यू होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पेड ऑल द अमाउंट अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी, राइट। सो विथ अलॉटमेंट ही पेड द फर्स्ट कॉल, विथ अलॉटमेंट ही पेड द फाइनल कॉल। सो फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट, ना 500 शेयर का ऊपर 1500, और फाइनल कॉल में आपका 500 शेयर का ऊपर 2 रूपी करके 1000। फ्रेंड्स वी शैल कैलकुलेट नाउ योर इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे सो फ्रेंड्स 1500 के लिए ये डेट ऑफ रिसीव टू डेट ऑफ ड्यू दिस विल बी फॉर 2.5 मंथ्स, एंड ये 1000 के लिए डेट ऑफ रिसीव टू डेट ऑफ ड्यू दिस विल बी 3.5 मंथ्स, ओके। सो मैं क्यू वाला इधर करते हैं, इधर करेंगे मिस्टर क्यू आपका 1500 इंटू 12% इंटू 2.5/12, ये एक होगा, और होगा 1000 12%, ये आपका 3.5 मंथ्स के लिए डेट ऑफ ड्यू टू डेट ऑफ रिसीप्ट, ये 2.5 मंथ था, डेट ऑफ ड्यू ड्यू डेट ऑफ रिसीप्ट टू डेट ऑफ ड्यू, डेट ऑफ रिसीप्ट टू डेट ऑफ ड्यू, इधर क्या डेट ऑफ रिसीप्ट टू डेट ऑफ ड्यू, ये 2.5 मंथ्स के लिए 1500 रुपया, 1000 का ऊपर आपको 3.5 मंथ्स का होगा 3.5/12। देखिए पूरा देख लीजिए आपका 1/9/2019 से 15/12/2019 दिस टोटल कम्स टू 3.5 मंथ्स, और 3.5 मंथ्स का ऊपर 1000 करके मैं इंटरेस्ट लगाएंगे, सो कितना आएगा आपका, आपका 37.5 आपका 35
सो टोटल होगा आपका 72.5। और एक बार देख लेते हैं 1500 So 72.5. So friends, this is the interest. Okay. So I calculated 1500 for 2.5 months and 1000 for 3.5 months at a rate of 12%. This is on interest on calls in advance. This is interest on calls in area. Right. अब इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया और एडवांस वाला मैं थोड़ा लिख लेते हैं, उसको मिटा देंगे। ये आपका 35 एडवांस का ऊपर और मैं इधर लिखते हैं आपका एरियर का ऊपर 37.5 और 35, इसको भी मिटा देते हैं। आपका क्यू का है, ड्यू टू स्पेस ओनली आई एम डूइंग दिस। पी का आपका 145.83 और पी का फिर 25, दिस इज ऑन एरिया, टोटल 170.83। So let us start the journal entry in the books of X. Friends, we shall write in the books of X. Books of X. So first journal entry will be 1/7/2019. आपका bank account debit. ये नहीं बोला है कि कितना टोटल शेयर हमको मिला है, तो 10,000 शेयर ही मिला है तो इश्यू किया, 10,000 एप्लीकेशन ही मिला है तो 10,000 इंटू टू दिस विल बी 10,000 इंटू टू दिस विल बी 20,000। टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका 20,000 बीन द एप्लीकेशन मनी रिसीट। और फिर सेम डे में वी शेल पास अनदर एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट आपका 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये आपका 20,000। सो ऑल द एप्लीकेशन मनी 10,000 शेयर का ऊपर जितना एप्लीकेशन मनी 20,000 रुपीज दैट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल। पहले तो एप्लीकेशन मनी हमको मिलेगा, now we first receive the application money bank to equity share application account, equity share application to equity share capital account, but the application money is transferred to capital as per board resolution number dot dot dated dot dot।
फ्रेंड्स आप लोग बोर्ड रिजोल्यूशन और डेट लिखने के लिए आप स्पेस रख के पूरा लिख दीजिए, एग्जाम में उसको मत छोड़िए। दिस कैरी सर्टेन मार्क्स एंड इम्प्रेशन। सो दिस इज फॉर एप्लीकेशन, लेट अस गो फॉर अलॉटमेंट। पहले अलॉटमेंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट विल बी ड्यू ऑन 1/9/2019। सो 10,000 शेयर का ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, राइट। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आपका 10,000 शेयर का ऊपर 5 रुपीज करके दिस विल बी 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए 5 + 2 = 7, 7 + 3 इज योर 10, 10 + 2 टोटल 12। टोटल 12 से आप 10 रुपीज एंड 2 रुपीज इज योर प्रीमियम। सो इधर मैं बोल सकते हैं कि 3 + 2, 3 इज टुवर्ड्स कैपिटल, 3 इज आपका टुवर्ड्स कैपिटल 30,000 एंड 2 रुपीज इज टुवर्ड्स प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका 10,000 इंटू टू दिस इज 20,000। फ्रेंड्स ये अलॉटमेंट बीन द अलॉटमेंट मनी ड्यू एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड देके ये लिख देना चाहिए। 10,000 शेयर का ऊपर टोटल अलॉटमेंट ड्यू 50,000, उसमें कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 3 और 2,000 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, राइट। अब क्या होगा ना, हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में टोटल ड्यू मेरा 50,000, हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट अलॉटमेंट, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट। फ्रेंड्स टोटल कितना, टोटल ड्यू आपका ये छोटा एक वर्किंग नोट बनाते हैं 50,000, उसमें आप देखिए पी 1,000 शेयर का ऊपर आपका अलॉटमेंट पैसा अलॉटमेंट एंड कॉल मनी और फाइनल कॉल में दिया। सो 1,000 शेयर का ऊपर पी पाई अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, लेस पीज ड्यू कितना 1,000 इंटू 5 दिस विल बी 5,000, ये 5,000 रुपया नहीं मिला है। सो रिमेनिंग इज 45,000। सो पीज ड्यू टोटल ड्यू कितना 50,000 एंड पीज ड्यू इज ओनली 5,000, ओके। सो हाउ मच इज योर क्यू, क्यू इज ए होल्डर ऑफ 500 शेयर बट ही पेड द टोटल अमाउंट अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट में टोटल अलॉटमेंट तो दिया है और फर्स्ट कॉल का आपका 1,500, फाइनल कॉल का भी प्लस क्यूज एडवांस, ये कितना आपका ना 1,500 और 1,000, ये आपका 2,500। सो टोटल मैं इसको मिटा देते हैं, टोटल कितना ये 47,500 रुपीज मिलेगा। और एक बार आपको बोल देते हैं, ध्यान से सुनिए, टोटल ड्यू 50,000
इससे फीस ड्यू आप लेस कर दीजिए ₹5 करके। क्या ये जो ₹3 और ₹2, सो फर्स्ट कॉल में 1000 × 3, फाइनल कॉल में आपका 1000 × 2, सो टोटल ₹5000 नहीं मिला है, बाद में मिला है, फाइनल कॉल में मिला है, राइट। वो अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया है तो अलॉटमेंट में 1000 × 5, सो अलॉटमेंट में ये नहीं दिया। बट क्यू क्या किया ना, अलॉटमेंट में सारा पैसा दे दिया, तो अलॉटमेंट में पैसा कितना ना, जो भी पैसा अलॉटमेंट का पैसा तो क्यू दिया है, प्लस वो फर्स्ट कॉल का 1500, फाइनल कॉल का 1000, सो टोटल ₹2500 एक्स्ट्रा दिया है, राइट। सो हाउ मच ही गॉट, 47500। सो बैंक अकाउंट डेबिट, आप उसको वर्किंग नोट करके, नोट नंबर 2 या 1 कुछ भी करके इधर नोट रेफरेंस आप दे दिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 47500, दिस इज आवर बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट आपका ये ₹5000 अलॉटमेंट का नहीं मिला है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका 50000, तो कॉल्स इन एडवांस, क्यू जो एडवांस दिया है कितना रुपया ना, 2500। ये एरियर है जो कि पी नहीं दिया है और क्यू आपको एडवांस दिया है 2500। सो कॉल्स इन एडवांस एंड दिस इज योर कॉल्स इन एरिया, ये 52500, ये 52500, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड। ओके, सो दिस इज योर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में आपका ये डेट होगा 15/11/2019 का, ये डेट होगा, इसको मैं मिटा देते हैं, ये 15/11/2019, इसमें मेरा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा कितना ना, 10000 शेयर का ऊपर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, ₹30000, दिस इज 10000 × 3, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 30000। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज 30000 एंड 30000। ओके, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट कॉल, नाउ वी गेन वी शेल रिसीव द मनी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, मैं इसको मिटा देते हैं आपका, कितना ड्यू था, नोट 30000, फर्स्ट कॉल आपका 30000,
उसमें देखिए पी फिर 30,000 1,000 शेयर का ऊपर 3,000 करके पैसा नहीं दिया है, सो लेस पीज ड्यू 1,000 इंटू 3,000 ये आपका 27,000। आप देखिए जो आपका क्यू है क्यू ऑलरेडी पेड विद अलॉटमेंट, सो क्यू अभी नहीं देगा, उसका अलॉटमेंट में वो पेमेंट कर चुका था, सो ये भी लेस हो जाएगा क्यूज एडवांस। कितना ना 500 शेयर का ऊपर 3 रुपया करके ये 1,500 होगा, दिस विल बी 25,500। इतना पैसा हम रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट 25,500। और बैंक अकाउंट डेबिट 25,500। नाउ कॉल्स इन एडवांस जो क्यू का 500 शेयर का ऊपर 3 रुपया करके 1,500, टू कॉल सीम एरिया ये आपका 1,000 शेयर का ऊपर तो पैसा नहीं दिया है, दिस इज 3,000। टू टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। फ्रेंड्स ये बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, वो जो कॉल्स इन एडवांस था वो एडजस्ट हो गया क्योंकि वो पहले से दे दिया था, उसका एडजस्ट हो गया। और ये कॉल्स इन एरिया दिस इज ऑन 1,000 शेयर, वो भी 3,000 आएगा, टोटल हो जाएगा आपका 30,000, राइट। सो दिस इज टोटल 30,000, दिस इज कॉल्स इन एरिया एंड कॉल्स इन एडवांस। नाउ फ्रेंड्स वी आर कमिंग टू अनदर वन, दैट इज इसी डेट में एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, कौन सा इंटरेस्ट, ना पी का भी इंटरेस्ट होगा और क्यू का भी इंटरेस्ट होगा। पी का होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, क्योंकि वो अभी भी तो नहीं दिया है, पेमेंट नहीं किया है, और पी का नहीं होगा, वो आपका क्यू का सिर्फ होगा क्योंकि क्यू का एडवांस इधर एडजस्ट हो जाएगा। सो जब पैसा देगा तब होगा पी का। सो क्यू का कितना एडवांस एडजस्ट हो गया देखिए, ये 1,500, सो 15/11/2019 में मिला था कितना, ये 37.50 1,500 का ऊपर आपका 2.5 months का हिसाब होगा, मैं हिसाब किए थे और एक बार देख लेते हैं। सो ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, दिस इज एन एक्सपेंडिचर टू द कंपनी, सो इट विल बी डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 37.50 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 37.50 मिस्टर
Q. Being the interest on calls in advance due, right? और ये कब payment किया कुछ नहीं बोला है, इसलिए मैं पकड़ लेते हैं कि वो payment of interest कभी भी कर दिया. So जो भी है मैं 15 में पकड़ लेते हैं कि interest. So दोनों इंटरेस्ट जोड़ के वो पेमेंट करेगा, इसे नहीं करता है प्रैक्टिकली. सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू, ये पेमेंट करना है, दिस विल बी एन एक्सपेंडिचर. सो फ्रेंड्स, और जो क्यू का एरियर का ऊपर इंटरेस्ट अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब वो पेमेंट करेगा तब मेरे को पता हो जाएगा एग्जैक्टली पोजिशन क्या है, वो पैसा देगा या You will not give, either you will pay, you will not pay. All these factors will be known to us on the date of payment, that is your final call. So, come to final call. 15-12-2019 equity share. Final call debit 2 रुपया करके 10,000 शेयर का ऊपर होगा आपका 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये आपका 20,000. सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी 20,000 and 20,000. ये मेरा फाइनल कॉल ड्यू हो गया. ड्यू का बाद पैसा मिलेगा, फिर एक वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर एक नोट, फिर नोट. आपका ड्यू कितना, फाइनल कॉल आपका ड्यू अमाउंट 20,000. ये देखिए 20,000 से फाइनल कॉल का पैसा, क्यू फाइनल कॉल का पैसा आगे से पेमेंट कर दिया था, क्यू एडवांस आपका 500 शेयर का ऊपर 2 रुपया करके 1,000 पेमेंट कर दिया था, दिस विल बी 19,000 प्लस पीज अमाउंट कितना होगा. पी का देखिए वो अलॉटमेंट मनी भी देगा और फर्स्ट कॉल भी देगा. सो 1,000 शेयर का ऊपर 5, 3, 8 है, 8 रुपया करके टोटल 8,000 वो पेमेंट करेगा. इसका पी का क्या, ना पी होल्डर ऑफ 100 शेयर कुड नॉट पे द अलॉटमेंट, सो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया था पी. सो अभी फाइनल कॉल में ही पेड द टोटल अमाउंट ऑन फाइनल कॉल. सो फाइनल कॉल का टाइम में वो टोटल अमाउंट देता है, दैट मींस ही इज पेइंग द अलॉटमेंट, ही इज पेइंग द फर्स्ट कॉल. सो टोटल इस जो ड्यू था दैट इज 5,000 1,000 शेयर का ऊपर, 1,000 × 5, 5,000 और 1,000 × 3, 3,000 टोटल विल बी 8,000 ही विल पे अलोंग विथ योर फाइनल कॉल. सो दिस इज 27,000 ही विल पे. सो बैंक अकाउंट डेबिट $27,000. Now calls in advance debit, ये Q वाला आपका 1,000, 500 × 2 Q वाला 1,000, two calls in arrear. एरियर किसका था, सिर्फ पी का था, टोटल 8,000 टू
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आपका 20,000। सो फ्रेंड्स बैंक अकाउंट में 27,000, कॉल्स इन एडवांस 1,000, कॉल्स इन एरियर 8,000, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में आपका 20,000। फ्रेंड्स ये पैसा हमको मिला है, यू जस्ट टैप बैंक अकाउंट डेबिट तो ये बीइंग द फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग द फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन और डेट, राइट। देख लीजिए आप, राइट। Now on the 15/12/2019 ये एडवांस का भी एक एंट्री होगा 3750 का एंट्री में पास कर चुके हैं और 35 का भी एंट्री होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एडवांस डेबिट 35 रुपीज टू शेयर होल्डर अकाउंट 35 रुपीज। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो ये दिस विल बी एडजस्टेड। नाउ लेट अस कम टू पी, पी का भी पैसा दे दिया, वी कैन पास टू एंट्रीज, वी कैन ऑल्सो पास वन एंट्री एंड दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, दिस विल बी एन इनकम टू द कंपनी। सो ये शेयर होल्डर को डेबिट करेगा क्योंकि शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, देयरफॉर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। $145.83 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया अकाउंट 145.83। This is the interest receivable from the shareholder, right? This is the interest receivable from the shareholder. Now, the next entry will be shareholder account debit, FP, shareholder account debit, aapka 25 rupees. To interest on calls in arrear account 25 rupees। Friends ये भी वही entry है but you can club it together और आप इस तरफ का 170.83 के लिए भी एक entry pass करके भी कर सकते हैं, right? So, ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, इसको मैं एंट्री कर चुके हैं। नाउ वी शेल आइदर पे और रिसीव द इंटरेस्ट एडवांस को, दैट इज वी आर गोइंग टू पे एंड एरिया का ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वी आर गोइंग टू रिसीव, द कंपनी इज गोइंग टू रिसीव।
सो आप थोड़ा देख लीजिए, जो स्टूडेंट लोग इधर बैठे हैं वो डायरेक्टली देखते हैं, तो आपका कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके नाउ लेट अस कम टू द लास्ट दैट इज एडवांस वाला का ऊपर इंटरेस्ट हमको पेमेंट करना है शेयर होल्डर डेबिट्स ऑफ 15-12 में। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट ये आपका क्यू को दैट इज योर 72.50 लेट अस एड इट दिस इज 72.50 सो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 72.50 टू इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 72.50 इंटरेस्ट एडवांस का ऊपर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है इसलिए शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट है क्यू को पे करेगा सो क्यू अकाउंट इन प्लेस ऑफ क्यू अकाउंट आई कैन राइट शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट है टू बैंक अकाउंट सो दिस विल बी द अमाउंट पेड और एरिया का ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट दिस इज एरिया का ऊपर 170.83 टू शेयर होल्डर अकाउंट दिस इज पी 170.83 सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड बाय कंपनी दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया रिसीव्ड बाय कंपनी राइट देन फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द ईयर वी शैल ट्रांसफर द इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट टू द आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 72.50 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट सो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 72.50 दिस इज माय एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल और इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर राइट देन दिस इज द कंपनीज इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया डेबिट 170.83 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 170.83 फ्रेंड्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिस इज योर इनकम बिकॉज एरिया का ऊपर आप इन कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा देयरफॉर स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज क्रेडिटेड एंड दिस इज एन एक्सपेंडिचर फॉर व्हिच दैट इज ए एक्सपेंडिचर टू द कंपनी हेंस द स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज डेबिटेड दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज ओके इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल लर्न हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट
and all other things, we shall come out, okay? And if you like the videos, you can share it and subscribe it and offer your comments. Thanking you all.